चलिए आईआईटी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि ए अगर मान लीजिए आपके पास 1101 और पी मैट्रिक्स आपके पास है, सपोज कीजिए √3/2, 1/2, 1/2 माइनस और ये √3/2, ठीक है। तो और क्यू आपको दे रखा है, मान लीजिए पी ए पी ट्रांसपोज, देन हमको फाइंड करना है कि पी, और हमको फाइंड करना है पी ट्रांसपोज क्यू टू दी पावर 2005 और ए पी, ठीक है। तो ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पी पी ट्रांसपोज फाइंड करता हूँ। तो पी पी कितना है हमारा, √3/2, 1/2, माइनस 1/2 एंड √3/2, और पी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, √3/2, 1/2, माइनस 1/2 और ये √3/2, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपका ये आएगा 3/4 प्लस 1/4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आएगा माइनस का √3/4 प्लस √3/4। इस तरह से ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कर देंगे तो माइनस का √3/4 प्लस √3/4 आ जाएगा, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 1/4 प्लस √3/4 प्लस 3/4 आ जाएगा, 3/4 ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 1 और ये 1, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 1 0 0 1। यानी पी पी ट्रांसपोज बेसिकली क्या है, पी पी ट्रांसपोज बेसिकली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नाउ नाउ हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि आपको क्यू दे रखा है पी ए पी ट्रांसपोज, ठीक है। तो मैं इसमें पी ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जाएगा पी ट्रांसपोज पी ए पी ट्रांसपोज, ये दोनों मैट्रिक्स एसोसिएशन से क्या बना देंगे, आई, और ये ए पी ट्रांसपोज, यानी कि ये कितना आ गया, ए पी ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। जो हमको फाइंड करना है ये मैट्रिक्स, उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट एक्स इक्वल टू पी ट्रांसपोज क्यू टू द पावर 2005 और ये पी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये आपका पी आ जाएगा। तो देखिए पी ट्रांसपोज इंटू क्यू टू द पावर 2004 और ये पी, पी ट्रांसपोज क्यू कितना हो जाएगा, ए पी ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, ए पी ट्रांसपोज क्यू टू द पावर 2004 और ए पी। अब मैं फिर से मैं इसमें क्यू इंटू क्यू की पावर 2003 × p अप्लाई कर रहा हूँ, इन दोनों से हमको फिर से क्या मिल जाएगा, ए पी ट्रांसपोज मिल जाएगा क्यू टू दी पावर 2003 और ए पी। तो आप ध्यान से देखें तो ये आपको मिल रहा है ए स्क्वायर, ठीक है ना, पी ट्रांसपोज हम और ए पी। आई विल चेक इट, प्लीज वेट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, देखो यहाँ से हमने दो पावर रिड्यूस किए हैं, यानी ए स्क्वायर आ रहा है और ये आपका पी ट्रांसपोज पी आएगा, तो इसी तरह से रिड्यूस करते जाएंगे, तो ए टू दी पावर 2005 और लास्ट में आपका कितना आएगा, इस तरह से चलने पर ये आपका आ जाएगा पी ट्रांसपोज इंटू पी, ये तो आई बन जाएगा, तो कितना आ गया आपका ए टू दी पावर 2005 आ गया। अब देखो सिंस ए हमारे पास कितना था, वन वन कितना था मेरे पास, था 1101, तो मैं ना इसमें ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ए स्क्वायर कितना आएगा, ए इंटू ए, ए इंटू ए, तो ए कितना है हमारा, ए है 1101 और ये 1101, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अप्लाई कर दीजिए आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 आ जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 आ जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आपका कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये कितना आ चुका है, ए स्क्वायर। अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं ए टू दी पावर 3, ये कितना होगा, ए स्क्वायर इंटू ए, ए स्क्वायर आया है 1201 और ए हमारा आया है 1101। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अप्लाई कर दीजिए तो ये 1 आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम अप्लाई कीजिए 3 आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड रो
फर्स्ट कॉलम प्ले करेंगे 0 आ जाएगा, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम प्ले करेंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ए क्यूब आ गया, तो ये 1 3 1 ये नज़र आ रहा है। अब ए टू दी पावर 4 अगर आप फाइंड करोगे तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर सकते हो, तो 1 1 ये नहीं 1 ये कितना था 1 2 0 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो कितना आएगा 1 आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 आ जाएगा, तो इससे आपको 1 मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ए टू दी पावर 3 से यहाँ पे 3 आ रहा है, 4 से 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ए टू दी पावर इस तरह से 2005 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2005, और ये 0 और ये 1। तो ओवरऑल एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना था, ये था हमारे पास पी ट्रांसपोज क्यू टू दी पावर 2005, और ये पी, और ये हमारा कितना आ गया था ए टू दी पावर 2005 आ गया था। तो मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 1 4 0 और 1, ये किसका वैल्यू आ गया है, ये वैल्यू आपका एक्स का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।